अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बड़े शॉपिंग सेल्स शॉपिंग फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। हो सकता है नए साल की शुरुआत से आपको ऐसे सेल का ऑप्शन ना मिले और आप कैशबैक और बम्पर डिस्काउंट ना पा सकें। जी हाँ, भारत सरकार ने फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियम जारी किए हैं जिसमें अब कोई भी कंपनी खास रियायत नहीं दे सकती है। ऐसे में कैशबैक, एक्सेस सेल या किसी पोर्टल पर एक ब्रांड के लॉन्च, अमेजन प्राइम और फ्लिपकार्ट एसोर जैसी डील्स या किसी तरह का खास सेवा देने में अब कंपनियों को परेशानी आ सकती है। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI वाली ई कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रावधानों को सख्त कर दिया है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ऑनलाइन बाजार मंच पर उन कंपनियों को उत्पादन नहीं बेच पाएंगी जिनमें इनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा सरकार ने ऑनलाइन बाजार का परिचालन करने वाली कंपनियों पर उत्पादन की कीमत प्रभावित कर सकने वाले कॉन्ट्रैक्ट की रोक लगा दी है। इससे वे किसी यूनिट के साथ उसके किसी उत्पाद को केवल अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ऑनलाइन खुदरा कारोबार में FDI के बारे में संशोधित नीति में कहा है कि इन कंपनियों को अपने सभी वेंडरों को बिना भेदभाव किए समान सेवाएं या सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। मंत्रालय ने कहा कि संशोधित प्रावधान का लक्ष्य घरेलू कंपनियों को उन ई कॉमर्स कंपनियों से बचाना है जिनके पास FDI के जरिए बड़ी पूंजी उपलब्ध है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस कदम से ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा कीमतों को प्रभावित करने पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। इससे ई कॉमर्स कंपनियों के मामले में FDI दिशा निर्देशों का बेहतर क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नीति के अनुसार कोई भी वेंडर अधिकतम 25% उत्पादों को ही किसी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए बेच सकेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनी किसी भी विक्रेता को अपना कोई उत्पाद सिर्फ अपने मंच के जरिए बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। स्नैपडील के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी कुणाल बहल ने इसका स्वागत करते हुए ट्वीट किया, मार्केट प्लेस ईमानदार एवं स्वतंत्र विक्रेताओं के लिए है जिनमें से अधिकांश MSME हैं। ये बदलाव सभी विक्रेताओं को बराबर मौके देंगे तथा उन्हें ई कॉमर्स में की पहुंच तक फायदा उठाने में मदद मिलेगी। खुदरा कारोबारियों के संगठन कैट ने कहा कि यदि इन बदलावों का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया गया तो कीमतों को प्रभावित करने वाले कदम और ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त छूट आदि इतिहास की चीज़ें हो जाएंगी। कैट ने ई कॉमर्स नीति लाने तथा क्षेत्र की निगरानी के लिए नए नियमांक बनाने की मांग की है। इस नियम को 1 फरवरी 2019 से लागू किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार उन्होंने यह फैसला ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा कस्टमर्स को भारी छूट दिए जाने के खिलाफ घरेलू कारोबारियों की आपत्तियों के मद्देनजर यह फैसला लिया है।